नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए लेकर चलता हूँ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो अपने बीचेस की वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो को अपने सैंडी बीच, स्टीप माउंटेन्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और बे साइड लोकेशन के लिए भी जाना जाता है। इस वजह से रियो डी जेनेरियो को मार्वल सिटी का निकनेम भी दिया गया था। आज हम बात करेंगे रियो डी जेनेरियो के इपनेमा बीच की। तो अपना सनस्क्रीन और शॉर्ट्स तैयार रखिए और चलिए मेरे साथ इपनेमा बीच पर। इपनेमा बीच रियो डी जेनेरियो में सबसे ज्यादा फेमस बीचेस में से एक है। 1962 में फेमस सॉन्ग द गर्ल फ्रॉम इपनेमा के रिलीज होने के बाद रियो डी जेनेरियो में इपनेमा बीच दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया था। यह सॉन्ग एंटोनियो कार्लोस जोबिम और विनिसियस डी मोरेस द्वारा लिखा गया था और इसे ब्राजील के सिंगर एस्ट्रूड गिल्बर्टो ने रिकॉर्ड किया था। सिक्योरिटी और फैसिलिटी दोनों के हिसाब से ही इपनेमा बीच उन लोगों के लिए सबसे अच्छा बीच है जो बीच से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप इस बीच पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, बार इजीली अवेलेबल होते हैं। इपनेमा बीच रियो डी जेनेरियो में सबसे फेमस बीचेस में से एक है, इसलिए गर्मियों के महीने में यहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो वीकेंड्स के दौरान इस बीच पर जाएं। यह बीच अपने सुंदर दृश्यों, महीन रेत और सर्फिंग के लिए शानदार लहरों की वजह से जाना जाता है। इसकी मुलायम रेत और आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ हर साल इपनेमा में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यह ब्यूटीफुल बीच ब्राजील के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।